आज सिर्फ श्रीलंका की जीत नहीं थी, आज पाकिस्तान का ये फेट डिसाइड होना था, आज ये डिसीजन होना था कि क्या हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। ये 287 रन का बता रहे हैं कि 287 रन से जो है वो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा तभी क्वालिफाई करेगा, यानी कि कभी बाप ने बनाया है 287 कभी। अब क्या करना चाहिए इस टीम के साथ? अब इस टीम को पाकिस्तान जब ये वापस आए ना, हार जूतों के बनाने चाहिए उधर अपना एयरपोर्ट पे, और घर जाने तक इनको जो है ना लान तान करनी चाहिए। आज जो पाकिस्तान अगर इस मायूसी की हालत में आया है तो वजह सिर्फ एक ही हो रही है कि हम अपने बल पे पहुंच नहीं पा रहे। पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप में दुआओं के असर पे ही चलता है, और इस दफा शायद हमारी दुआएं कुछ उनमें इतना असर नहीं था। हम अगर दूसरों पे डिपेंडेंट होते रहेंगे तो कब तक जो है ना इस तरीके से चलेंगे? पाकिस्तान का कोई चांस नहीं, कोई प्लेयर अच्छा नहीं है, सारे उत्ते जाके बड़िया बड़िया प्लेटां लेके कढ़ाइयां खा रहे ने, गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे ने, कोई फायदा नहीं उन्होंने भेजने का। पूरा दिन बारिश दिखा रहे थे पर एक भी बूंद नहीं गिरी ग्राउंड में, हमारी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया है। कुदरत का निजाम पे ये बैठे हुए तो खुद भी कुछ करें ना। आप कोई मौजदा ही है अगर पाकिस्तान किसी सवाल से सामने आ जाए, उम्मीद कोई नहीं है और दिल बहुत टूटा है। अभी बहुत कम चांस रह गया कि ये जो ना पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। यकीन मानो अगर आज मेरी माँ मरती मुझे दुख नहीं लगता। पाकिस्तान बाहर हो गए लाना जैसी टीम पे, लाना जैसे उस टीम पे। अजीब बात करते हो यार, पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया है, ये आईसीसी वालों को क्या हो गया है, ये पॉइंट टेबल जो दिखाते हैं इनको क्या हो गया है भाई। जो आपकी अप्रोच थी वो एक तरह से सेमी हुई अप्रोच थी, वो ये था कि व्हाट इफ, वो डिजास्टर के लिए वेट करना या कॉन्फिडेंस चले जाना, या यू नो एक तरह से पहले वार्म अप हम करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे मैच तो हम फिर आगे निकलेंगे। सो वो यहाँ पे टाइम आपको कोई नहीं देता सेटल डाउन होने का। ये 287 रन का बता रहे हैं कि 287 रन से जो है वो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा तभी क्वालिफाई करेगा, यानी कि कभी बाप ने बनाया है 287 कभी जीते हैं लोग कभी ऐसे? इनकी तारीख जाके देख लें, पूरा इनका हिस्ट्री देख लें क्रिकेट का, पाकिस्तान का कायदे आजम को कब्र से निकाल के भाई उसको नई हड्डियां लगवा लो आप, अलामा इकबाल को उठा लो उसको हड्डियां लगवा लो, ये तब भी इतने बड़े रन से नहीं जीत पाएंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं भाई, अभी इनका एक मैच बाकी है इंग्लैंड के साथ। ये इंग्लैंड के मैच तक कब कैसा इंतजार करेंगे? जब तक इंग्लैंड का मैच नहीं हो जाता तब तक इनको इतना ट्रोल मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर क्या भाई, जब ये वापसी जाएंगे तो नीचे वाला घोला काला पड़ जाएगा इनका। अच्छा बोल रहे अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल से बाहर हो गया। अबे भाई अफगानिस्तान तो वर्ल्ड कप तब जीता था जिसने कायदे आजम के टट्टों को ठोका था भाई। हम तो तब वर्ल्ड कप जीते थे, हमें क्या फर्क पड़ता है अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाए ना जाए। हम तो उस दिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, पूरा अफगानिस्तान यही बोल रहा था, सारे फैंस यही बोल रहे थे कि हमारा मिशन है तुम्हारे अंदर घुसाना, हमने पाकिस्तान को घुसा दिया और हमें क्या लेना देना सेमीफाइनल से। और फिर भाई वो पागल वागल थोड़ी है कि सेमीफाइनल में जाके हिंदुस्तान से फिर हार के आ जाओ भाई। लेकिन पाकिस्तानियों आज तुम लोगों ने जिस हिजड़ों की तरह जो न्यूजीलैंड के आगे श्रीलंका के आगे जो तुम लोग नाचे हो ना, कोई काम नहीं आया भाई, कितने बाप हो गए आपके में, कितने बाप भाई। और वही हुआ जिसका सबको खदशा था, डर था। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इसलिए देख रहे थे ये मैच कि कैसे श्रीलंका जीते और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे, लेकिन हमारा वो ख्वाब टूट गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का सिर्फ ये फैक्टर काफी था कि हम डिपेंड कर रहे थे सेमीफाइनल्स में जाने के लिए परफॉर्मेंस के अतबार से नहीं, हम डिपेंड कर रहे थे कि कब श्रीलंका जीते और हम क्वालिफाई करें, हैशटैग कुदरत का निज़ाम, लेकिन आज ना चल पाया क्योंकि आज जिस टीम ने अच्छा खेला उसने डिजर्व किया। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे मार्जिन से आज ये मैच विन किया है, दे हैव वॉन बाय 5 विकेट्स। जनाब अगला मैच है इंग्लैंड के साथ, पाकिस्तान को अगले मैच में बड़ा एक अच्छी हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी जनाब, 280 रन से इंग्लैंड को हराना होगा, या अगर हम चेस करने में आए तो हमें 5 ओवर्स के अंदर अपना टोटल टारगेट चेस करना होगा। दिस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, लेकिन कहते हैं ना कि अगर डीकॉक की इनिंग्स को याद रखें, फखर की इनिंग्स को याद रखें, मैक्सवेल की इनिंग्स को याद रखें, एडन मार्करम, विराट कोहली को याद करें तो लगता है कि नहीं
मुमकिन हो सकता है, लेकिन आखिरी मैच हमें क्यों याद आता है कि सब कुछ लास्ट मिनट पे जाके हम सोचते हैं कि ओके अब जागना। श्रीलंका पे उम्मीद लगाने वालों के मुंह के ऊपर श्रीलंका ने लानत भेज दिया है और हार गया न्यूजीलैंड से। देखो खुद वर्ल्ड कप में कुछ करना नहीं है और दूसरों पे उम्मीद लगा के बैठ जानी है और घंटा बजाया पकड़ के आज सबका। देखो पाकिस्तान का घंटा बजाया इंडिया ने, पाकिस्तान का घंटा बजाया न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान का घंटा बजाया साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तान का घंटा बजाया ऑस्ट्रेलिया ने, और पाकिस्तान अपना घंटा खुद भी बजवा रहा है। इस फुद्दड़ की कप्तानी में हम लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं कि जी हम जी सेमीफाइनल में जाएंगे, हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, टाटा बाय बाय हो गई है पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप से, टाटा बाय बाय ऑफिशियली तौर पर हो चुकी है। अगर अब भी कोई हंजीर का बच्चा, कोई बगैरत का बच्चा अगर अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है ना, तो उधर आओ, मैं आपको डंडा दूं, इधर आओ, मैं आपको मुंह तक डंडा दूं, क्योंकि श्रीलंका पे आपने उम्मीद लगाई थी श्रीलंका पे। और बेटा मैंने नहीं थी उम्मीद लगाई हुई, मैंने 1% उम्मीद नहीं थी लगाई हुई कि ये श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराएगी, उस न्यूजीलैंड को जो बेटा फाइनल खेलती है वर्ल्ड कप के। 7 बजे बारिश आनी थी, उन्होंने तो पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया 23 ओवर्स में, तो उनको भी आइडिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। श्रीलंका एक टूटी फूटी बेबस सी टीम थी और ये होना ही था। खैर एनीवे अब बात तो ये है कि पाकिस्तान ने आगे जाके क्या करना है। जी अच्छा रमीज भाई, मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि शायद जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली हम डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल खेलना, हमारे इमोशन तो अटैच हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान हर इवेंट खेले, जीते, अच्छा परफॉर्म करे, बट जो मिस्टेक की बात करी है भी, जिस तरह आकिब भाई ने भी कहा कि फ़खर को ना खिलाना, टीम सिलेक्शन के ऊपर बात हुई, इस तरह के जो मसाइल थे, आपकी अग्रेसिव अप्रोच की बात करें, रन रेट की बात करें, जब कई डिसीजन ऐसे हमने देखे, सिलेक्शन की बात करें, नवाज़ को क्रंच मोमेंट पर बॉलिंग करवा देना, ये सारे जितने मसाइल हैं, ये आपको लगता नहीं है ये बेसिक रीज़न नज़र आ रही थी कि हम डिज़र्व नहीं कर रहे सेमीफाइनल में जाने के लिए, रादर दैन हम कुदरत के निज़ाम का वेट करते? मुझे लगता है कि ये देखें एक सबसे पहले तो बॉलिंग सबसे बेकार थी और ये एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। दूसरा ये कि जो आपकी अप्रोच थी वो एक तरह से सेमी हुई अप्रोच थी, वो ये था कि व्हाट इफ, वो डिजास्टर के लिए वेट करना या कॉन्फिडेंस चले जाना या यू नो एक तरह से पहले वार्म अप हम करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे मैच तो हम फिर आगे निकलेंगे। सो वो यहाँ पे टाइम आपको कोई नहीं देता सेटल डाउन होने का। अब क्या लगता है पाकिस्तान का क्या बनेगा, वर्ल्ड कप से तो आउट ही हो गया, बिल्कुल आउट हो गया है, लेकिन जो है ना मैं तो कहना चाहूँगा जका अशरफ साहब को खुदा का खौफ कर ले थोड़ा सा वो बंदा, ठीक है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे और सियासत को सियासत रहने दे, ठीक है, मेहरबानी है, करोड़ों लोगों के दिल उस बंदे ने तोड़ दिए, ठीक है, आज ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था, अगर ये बंदा उसके अंदर ना जाता तो वो पॉलिटिक्स में ना जाता, सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से ये हमारा पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया। अफगानिस्तान से जब हारे थे तब एक्सपेक्ट किया था कि हार सकते हैं अफगानिस्तान से? एक्सपेक्ट तो जारी सी बात कर ही सकते हैं क्योंकि क्रिकेट है, कोई दोनों में से एक टीम ने तो जीतना ही जीतना है। क्या कहना चाहेंगे इस दफा ये जो हुआ है तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी टीम की मैनेजमेंट है ना वो टोटली फेल हुई पड़ी है। उसकी वजह यह है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो बाबर आजम है वो अपने जो कलीग्स हैं, मतलब कि जो उसके ज़्यादा क्लोज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम ये लॉस इसी तरह के ना लॉसेस फेस कर रही है।